बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से खबर है, जहां मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की प्रेस वार्ता, समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, सरकारी आवास पर जलदाय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है, मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर इस समय की, बड़ी जानकारी के साथ जयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, समय की ब्रेकिंग न्यूज, जहां समसामयिक मुद्दों पर यहां पर अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकारी आवास पर जलदाय मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयपुर से खबर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप में से किसी साथी ने मुझसे एक सवाल किया था कि प्रताप सिंह जी ने अधिकारियों के ऊपर कोई सवाल उठाया कि अधिकारी उनके बात, अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे या कुछ इस तरीके की बातें, जिसका मैंने जवाब भी दिया था कि भाई मेरे को मेरे विभाग के अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, प्रताप सिंह जी को अपने विभाग के अधिकारियों से या किसी और तरीके की शिकायत होगी तो मुख्यमंत्री जी और प्रताप सिंह जी उसको ठीक कर लेंगे। मेरे ख्याल से मैं ये बड़े स्पष्ट रूप से मैंने इसके अलावा कोई बात नहीं कही। मैंने, मेरा ये मानना है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम फासिस्ट लोग नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान होता है, कोई किसी के बात से सहमत हो सकता है, कोई किसी के बात से असहमत हो सकता है। मैं अगर आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो मैं ये तो कह सकता हूं भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं, लेकिन किसी को सहमति नहीं होने के आधार पे किसी को गुलाम बताना, ये मेरे ख्याल से किसी भी दृष्टि से जो बातें होती हैं, जिनको आप आमतौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो गुणों की श्रेणी में आती, मैं उन सब बातों का गुलाम, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने कभी, मैं सहमत रहा हूं चाहे असहमत रहा हूं, मैंने कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं की, मैंने कभी किसी के लिए हल्का शब्द नहीं कहा, मैंने कभी किसी को गुलाम नहीं बताया, मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं बताया। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, असहमति है तो उस असहमति पर रिएक्ट करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ हम रिएक्ट करें। हम जो सामने वाले को सम्मान देते हैं उससे हमारा ही सम्मान बढ़ता है, लोग हमारे बारे में अपनी राय बनाते हैं। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने एक बार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाया और मुख्यमंत्री जी ने कहा, दो बार कहा जय श्री राम, सब लोगों ने कहा जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा जय श्री राम, फिर सब लोगों ने जय श्री राम कहा, मुख्यमंत्री जी ने पूछा अच्छा लगा, साथ में उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो श्रद्धा पैदा होती है, अच्छी भावना पैदा होती है, सकारात्मकता पैदा होती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं देश में जो श्री राम जी के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन जय श्री राम का नारा ऐसा लगाते हैं जिससे खौफ पैदा होता है। हम खौफ पैदा करने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम बात को शालीन तरीके से कहने के अनुयायी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न तो मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया, न मैंने किसी पर छींटाकशी करी, न किसी मंत्री के वर्किंग पर सवाल उठाए, न किसी मंत्री को कमजोर बताया,
न अपने आप को ताकतवर बताया। और मुख्यमंत्री कार्यालय को सब सारे मंत्रियों के साथ खड़ा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा से ही तो हम सब लोग मंत्री बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो हम लोग मंत्री बने हुए थोड़ी होते। मुख्यमंत्री एक संभाव रखते हैं सबके लिए, कोई मंत्री हो मुख्यमंत्री जी के लिए सारे मंत्री एक समान। जो अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी भी देंगे, जिसके काम में कमी होगी उसको ठीक भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए सारे लोग, सारे मंत्रीगण समान है, सारे विधायक समान है। सारे लोग मंत्री नहीं बन सकते, सारे कार्यकर्ता विधायक नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपके जरिए आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई गुलाम कहे कुछ कहे, मैंने बताया मैं किन चीजों का गुलाम हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि असहमति का एक स्थान है लोकतंत्र में, असहमति के स्वर को दबाना लोकतंत्र में। दूसरी बात जो आई एसीआर लिखने की बात, हालांकि परसों मैंने एसीआर का जिक्र नहीं किया, मुझे तो आपने पूछ लिया इसलिए मैंने हल्का सा जवाब दे दिया था। तो मुझे तो यह भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई एसीआर का जिक्र किया है कि एसीआर लिखना नहीं लिखना। तो एक शब्द एपीआर, एपेजल परफॉर्मेंस रिव्यू, जिसको एसीआर भी कहते हैं। एसीआर लिखने का अपना सिस्टम होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीन का जो चैनल है एपीआर का, उसमें तीन अथॉरिटीज उन्होंने बना रखी और हर स्टेट को अपना तय करना होता है कि कौन किसकी एसीआर के तीन जो तीन अथॉरिटी हैं वो, एक तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है और एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है। किसी विभाग में जिसमें सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें एसीआर लिखने की जो रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है वो मंत्री होता है। मंत्री एसीआर में दखल रखता है, लेकिन कहां रखता है ये लिमिटेशन। जहां एसीआर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहां चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तीनों चंद जो अथॉरिटी उनमें उन्हीं के पास है। जहां मैंने कहा सेक्रेटरी है वहां चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहां भी यही चैनल है, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ये जानकारी में है नहीं किसी के, मुझे नहीं पता, लेकिन 2008 से संभवतः अगस्त या ऐसा कुछ महीने से अगस्त शायद तब से ये हमारे ये जो अथॉरिटीज का ये सिस्टम बनाया हुआ है। अथॉरिटी तो शुरू से है, लेकिन ये तीन अथॉरिटीज इस तरीके से होंगी, किसका चीफ सेक्रेटरी होगा, किसका सीएम मिनिस्टर होगा, किसका चीफ मिनिस्टर होगा, ये 2008 का सर्कुलर है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो 2008 का सर्कुलर पढ़ लो। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई अपने को अपना कोई सुझाव है, अपनी कोई भावना है, हम चाहते हैं कोई संशोधन हो, तो आम जनता भी और मुख्यमंत्री भी ये तो अपेक्षा करते हैं कि सीधे उनसे कोई बात करे। मीडिया में जाके और अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना ये जरूरी नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात की जा सकती है। साहब ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम में ये सोचते हैं कि यह और इसको इसका संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात की जा सकती है। लेकिन इस तरीके से सीधा मीडिया में बात करना मेरे ख्याल से ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। फिर भी आदमी स्वतंत्र अपनी बात कहने के लिए। कुल मिलाकर आज मैं ये मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी को पीड़ा हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा
जिसमें किसी के अधिकारों का हनन हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो न्याय संगत नहीं है। फिर भी मुझे मेरे बारे में जो कहा गया इतना ही कह सकता हूं कि हम जो बोलते हैं वो हमारी मानसिकता का परिचायक होती है। जहां तक सरकार के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए जीने मरने का प्रश्न है, हम मुख्यमंत्री जी के लिए सरकार के लिए अच्छाई के लिए मरने की बात तो कमजोर आदमी करता है, हम जीने की बात करते हैं। और मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जनता की सेवा करें। धन्यवाद सर। ये जो प्रकाश सिंह जी ने कल एक बात ये भी कही थी कि आप मीडिया वाले जाओ तो महेश जी से ये भी पूछना कि क्या वो एसीआर भरते हैं, क्या पिन पॉइंट तो क्या आपके पास आती है क्या, क्योंकि तो ये सिस्टम तो है 2008 वाला तो, लेकिन आपके पास तो मेरे यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एसीएस है। सेक्रेटरी भी अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है तो मिनिस्टर के पास नहीं आएगी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो उसकी जो रिव्यूइंग जो अथॉरिटी है वो मिनिस्टर होता है। मैंने ये कहा था, मेरे को कल जब आप परसों जब आप लोगों से बात हो रही थी, आप में से किसने मेरे से एसीआर की बात नहीं करी कि कोई एसीआर की बात हुई। जिन भाई ने प्रश्न उठाया था उन्होंने इतना कहा था कि विभाग के अधिकारियों को लेके उनको शिकायत, तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में मेरा डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर संतुष्टिपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उनका उत्साहवर्धन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने प्रताप सिंह जी के विभाग के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने इतना बल्कि साथ में ये और कहा कि अगर कोई समस्या भी तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी मिलकर उसका समाधान कर लेंगे। मैंने ये भी नहीं कहा भाई कि मैं कौन बीच में, मैं उनके विभाग में कौन, उनके विभाग में तो मैं खामखा। लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी प्रताप सिंह जी नहीं, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो एक सद्भाव होता है उस सद्भाव के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं और विभाग भी इसी हिसाब से चलते हैं। अधिकारियों के, मंत्री के, कर्मचारियों के, उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समन्वय से, आपसी सौहार्द से, कोई अधिकारी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कोई ज़्यादा ऊंचा अधिकारी है, हमारे पास उसकी एसीआर लिखने की का अधिकार नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर हमारी शिकायत तथ्यात्मक हुई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उस पर भी कार्रवाई करें। किसी भी मंत्री को शिकायत होती है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को अपने सारे अधिकारियों में से कभी किसी से शिकायत ही नहीं रही हो। मेरे को शिकायत रही होगी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया होगा और मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया होगा। लेकिन सीएमओ सबके लिए समान है, सारे मंत्रियों के लिए समान है, आपसी समन्वय, आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग, इसी से काम होते हैं, इसी से डिपार्टमेंट चलते हैं, आवेश में आने से काम नहीं होते। तो मैं आप सबके सामने ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कभी भी एसीआर को लेकर आज से पहले कौन एसीआर लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है इस बारे में एक शब्द भी नहीं। सर क्या आपको नहीं लगता सचिन पायलट से मुलाकात के बाद प्रताप जी के जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसमें कुछ मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कोई बात की उसका मैंने जवाब दी, मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उनका रूप कुछ बदला हुआ नजर आ रहा सरकार के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए? मेरे को नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कोई गलत बात कही हो। और सर आप लोगों ने वो स्पीकर आप लोगों ने पूछा भी था इस तरह से बयान आया था एसीआर के सुप्रीम अथॉरिटी को चैलेंज हुआ? नहीं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने संभवतः ये समझा हो कि मेरे को एसीआर वगैरह की सारी बातें बताई गई और मैंने उस पर रिएक्ट किया हो सकता है, जबकि सच्चाई आप लोगों के सामने है। मेरे सामने एसीआर भरने का, एसीआर का जिक्र नहीं आया था। सामान्यतः यहाँ से इधर से किसी ने भाई ने पूछा था सवाल, ये पूछा था कि भाई अधिकारियों को लेकर शिकायत है, मैंने कहा भाई दूर कर लेंगे, मेरे को तो नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि उनकी शिकायत गलत है,
मैंने अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कोई क्या कहना चाहिए असहमति या कोई उनकी शिकायत से कि उनको शिकायत क्यों है ऐसा कोई सवाल मैंने नहीं किया। उनका विभाग है, उनके अपने अधिकारियों से शिकायत है तो वो एक्शन भी ले सकते हैं, उनको आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री जी से बात करके भी एक्शन करा सकते हैं। वो सभी पे लागू है, मेरे पे भी लागू है। आज मैं मेरे ACS के खिलाफ ना तो उनकी ACR बढ़ता न उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि ACS गलत काम करेंगे। अगर ACS गलत काम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को शिकायत करूँगा। मुख्यमंत्री जी तो ये चाहेंगे कि किसी का भी विभाग हो उस विभाग में कभी कोई गलत काम नहीं हो, ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। गलत काम होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मंत्री की भी है और मुख्यमंत्री जी की भी। मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अधिकारी गलत काम करे, फिर भी मानव स्वभाव गलतियां करते भी हैं और गलतियां हो भी जाती हैं। कभी कभी गलतियां कोई जानबूझ के भी कर देता है, कभी कभी किसी अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी सब तरह की बातों को देखते हैं, मंत्री स्वयं सब तरह की बातों को देखते हैं और इसी से आगे काम चलता है। सर वो इस्तीफे वाला वो थोड़ा क्लियर बता दीजिए, वो जो बाहर इस्तीफे वाला आप अध्यक्ष जी से पूछिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब बातें अभी मैं अभी बात जो हो रही है वो एक किसी तीन पॉइंट एटली किसी विषय पर हो रही है। इसी विषय में जुड़ी हुई ये भी बात है सर कि आपके खिलाफ सचिन पायलट भी बोल रहे हैं कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई, वो प्रताप सिंह भी बोल रहे हैं उधर से आपकी विधायक दिव्या। अच्छा है ना कि आप मेरे को बार बार खबरों में दिखा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं तो लोग ये समझेंगे कि यार मेरी कोई खबर ही नहीं आ रही, मैं प्रासंगिक हो गया। महेश जी आपने एक बात कही कि मीडिया में उन्होंने ये बात नहीं बोलना चाहिए कि जनता है, जनता भी मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर ये बात करते हैं। अब जब उन्होंने मीडिया में बात बोली तो आपने भी आज मीडिया में ये बात बोली, आप ही ये बात उनसे सीधे बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते। भाई मेरी तो आपने छाप दी ना, अगर आप मेरी न्यूज नहीं दिखाते मेरे को कान में आके कहते कि साहब आपके बारे में उन्होंने ऐसा बोला तो मैं भी उनसे कान में बात करता। मेरे को तो इसलिए बोलना लाजमी हो गया कि भाई मेरे को भी फोन करके लोग पूछ रहे हैं भाई आपकी गुलामी का स्तर क्या है ये बताओ। मेरे को तो कोई संकोच नहीं अपना आपको गुलाम कहलाने, मैंने कहा मैं उन सब उस सदव्यवहार का जिसकी अपेक्षा सबसे की जाती है उस सदव्यवहार का गुलाम हूं। मैं तो मेरी पार्टी के लिए निष्ठा रखता हूं, उनका कार्यकर्ता भी हूं और हर तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता हूं। गुलाम टर्म है, उन्होंने किसी नेता के लिए किया, आई थिंक सर्वोच्च के लिए किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, तो मतलब CM के लिए टर्म यूज किया। मैं नहीं जानता किसके लिए किया, मैं तो मेरी इस बात कर रहा हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि हूं, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं मैं इस बात का गुलाम हूँ कि मैं अच्छे से बोलता हूँ, इस अच्छे व्यवहार का गुलाम हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरे पूरे जीवन की अगर कोई उपलब्धि है, मंत्री बनना, हम MLA बनना, MP बनना, ये सब तो काल परिस्थितियों की बातें हैं और इसमें किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला कुछ बन गया। बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पार्टियों का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जनता का होता है, तब जाके आदमियाँ पहुँचता है। स्वनियंत्रण जो होता है वो इंसान की अपनी उपलब्धि होती है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब ना समझता तब का तो मैं जानता नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने समझदार होने के बाद आज तक मेरे मुंह से माँ बहन की गाली कभी एक सिंगल बार भी नहीं निकाली है, ये मेरी उपलब्धि है। निश्चित रूप से वो खुद के लिए उन्होंने आज आपको कहा, लेकिन तो हमारे लिए भी कहते हैं जो हम जूनियर हैं उनसे, उनके लिए भी कहते हैं क्या, चाहे वो प्रताप सिंह जी हों, रघु शर्मा जी हों, मैं हूँ, दूसरे लोग हों, उनके लिए भी कहते हैं भाई तुम्हारी स्थिति में आने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, वो हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, वो सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से मौका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसको क्या मिलता है ये मुकद्दर की भी बात है। अप्रोच की भी बात है, अप्रोच गलत है।
अप्रोच गलत होनी नहीं चाहिए, अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो देखो, मैंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने तो 1990 के बाद में आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं, ना टिकट मांगा, ना मंत्री पद मांगा, बल्कि पार्टी को ये कहा भाई मेरे से बेहतर कोई है तो उसको आप मौका दे दीजिए। लेकिन पार्टी ने मेरे को देने में भी कमी नहीं करी, जो कुछ है मेरे पास वो पार्टी का दिया हुआ है, जो कुछ है नेता का दिया हुआ है मेरे को। मैं तो बहुत बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ। आगे जो मिल जाए भगवान की कृपा, नहीं मिले भगवान का प्रसाद है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपने कहा मेरे बोलने से कौन पैदा नहीं होता, किसके बोलने से कौन पैदा होता? मुझे पता नहीं, आप तय करिए। आज तो इसी पर रखेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाए। अरे भाई मैं तो किसी से असहमति जता ही नहीं रहा, हम सब लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जिन जिनका आपने नाम लिया। ये तो असहमति तो वो होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री थप्पड़ मार देते हैं अधिकारियों के, वैसी असहमति तो कांग्रेस में नहीं है। कम से कम एक से अधिक मामले हैं, हमारा तो आपसी बातचीत की बात हो रही है, असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। मेरे से अगर कोई व्यक्ति असहमत है उसको अधिकार है मेरे से असहमति व्यक्त कर सके। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ असहमति हम भी व्यक्त करें और दूसरा अगर हमारी बात से असहमत हो तो उसको भी सुने। आप मेरे से अगर असहमत हो तो मुझे सुनना चाहिए, भाई मैं अगर आपसे असहमत हूँ तो आपको भी सुनना चाहिए। लोकतंत्र की ये खूबी है और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको होता है और इसका सम्मान करना चाहिए। अभी हम एक ही दूसरी बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना असहमति का अधिकार सबको है। और अगर किसी, ये तो मंत्री हैं, कोई आम जनता, कोई विधायक, कोई भी अगर कोई सवाल उठाएगा और वो ठीक होगा तो सरकार की, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। लेकिन मैं अभी किसी सवाल पर नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मॉडल स्टेट के तौर पे आप राजस्थान को दिखा रहे हैं और अभी आप, मैं गुजरात हिमाचल की बात करूंगा तो आप ये कहोगे यार यहाँ के तो सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे। मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ मेरी कोई टकराव नहीं है किसी से, मेरा तो कोई टकराव नहीं है किसी से, मैंने किसी को कमजोर कहा, ना किसी को ताकतवर कहा, ना किसी को बुरा कहा, ना किसी को अच्छा कहा, मेरे तो सारे अच्छे हैं, टकराहट नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरे बारे में कहा गया तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूँ, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूँ। अब आप कुछ भी कहते रहो, आपने कहा भी है कि श्रीराम का नाम लेके, श्रीराम का नाम लेके जो खौफ पैदा होता है, मैं श्री राम का नाम लेके जो खौफ पैदा करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ना 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 यार, मैं तो विधान, मुख्यमंत्री ने आपको कहा ना विधानसभा में कहा था, मैंने तो आपको पूरी बात कही है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था। तो हम क्लियर हो गए, हम कोई भी बात ऐसी करें जिससे स्वार्थ पैदा हो बजाय इसके कि खौफ पैदा हो। यार नहीं तो अच्छी बात है, वो झूठ क्यों बोलेंगे, ये कोई झूठ बोलने की बात थोड़ी है। वो तो हमारे साथी हैं, वो तो जैसे मुख्यमंत्री जी श्रीराम कहते हैं वैसे वो भी श्रीराम कहते हैं, हम भी वैसे ही कहते हैं। सर उनके बोलने से आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? नहीं, मेरे को इसलिए करनी पड़ी कि यार मेरे को कोई ये नहीं कह दे यार आप गुलाम, आप गुलाम होकनी बाद में पूछूंगा सबको बता दूं।